हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे पूछा है कि सर ऐसा लगता है कोई इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। अगर आपको भी किसी स्पेशल टॉपिक को वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, हम उस टॉपिक को वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आइए, आज की टॉपिक है ऐसा लगता ही है। इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस पर बात करें। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वाक्य को हम दो प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। इसमें देयर का यूज होगा। पहले प्रकार के वाक्यों में देयर प्लस सीम या पेयर प्लस टू बी, और दूसरे प्रकार के वाक्यों में इट सीम या पेयर और देयर एंड अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। आइए ऐसे कुछ सेंटेंसों पर अगर हम बात करते हैं। ऐसा लगता है यहाँ कुछ गलत है, ऐसा लगता है यहाँ कुछ गंभीर बात है, ऐसा लगता है स्कूल में कुछ मज़ेदार चीज़ है, ऐसा लगता है यहाँ कुछ अजीब है, ऐसा लगता है इस चैनल पर कुछ अच्छा है। ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम आइए एक एक करके इसका अनुवाद करते हैं। ऐसा लगता है यहाँ कुछ गलत है, इसको अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा देयर सीम टू बी समथिंग रॉन्ग हेयर। और इसका एक और प्रकार है इट सीम इज समथिंग रॉन्ग हेयर, इस तरह से भी अनुवाद कर सकते हैं, देयर से भी इट से भी। दूसरा वाक्य ऐसा लगता है यहाँ गंभीर बात है, इसको अनुवाद करेंगे हो जाएगा देयर सीम्स टू बी समथिंग सीरियस हेयर। अगर इट से बनाएंगे तो इसका होगा इट सीम देयर इज समथिंग सीरियस हेयर। यह दोनों प्रकार से इस वाक्यों को अनुवाद हम कर सकते हैं, एक देयर से भी और एक इट से भी। इस चीज़ को आप केयर करिएगा। आइए कुछ और वाक्यों पे हम बात करते हैं कि उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। जिसमें इसमें है पहला वाक्य ऐसा लगता है स्कूल में कुछ मज़ेदार चीज़ है। देखिए इसमें भी ऐसा लगता है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें हो जाएगा देयर अपीयर्स टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग इन द स्कूल। अगर दूसरे वाक्य की बात करें ऐसा लगता है यहाँ कुछ अजीब है, इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे देयर अपीयर्स टू बी समथिंग स्ट्रेंज, ऐसा लगता है इस चैनल पर कुछ अच्छा है। इसको अगर ट्रांसलेट करें देयर इज सीम्स टू बी समथिंग गुड एट दिस चैनल। ये हमारे तीन वाक्य हैं। आई होप ऐसा लगता है का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको इस वाक्यों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमारे कम से कम इसमें दो वाक्य हमारे कमेंट बॉक्स में आप ऐसे ही वाक्यों को ट्रांसलेट करके आप हमें बताएं, जिससे हम इसको एश्योर कर सकें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक, कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐसे वाक्यों को बताएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे ऐसे ही बने रहें, हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।